देश भर में सराहे गए छत्तीसगढ़ के पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर एक बार फिर सरकार और पूर्व सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सवालों का जवाब देते हुए उन पर आरोप लगाए हैं। पीडीएस को लेकर दोनों के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। ये वॉर भूपेश सरकार की ओर से सिस्टम में परिवर्तन करने के फैसले के बाद शुरू हुआ है। सरकार के निर्णय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारी सरकार ने पीडीएस को देश के सबसे उन्नत और उत्कृष्ट सिस्टम के रूप में संचालित किया। ये अनेक राज्यों के लिए अनुकरणीयी और जनहितकारी मॉडल साबित हुआ। विभिन्न संस्थाओं ने इसे सराहा, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार इस सिस्टम में जैसे परिवर्तन कर रही है वो इसे पतन की ओर ले जाएंगे। डॉक्टर सिंह के ट्वीट पर भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए ट्वीट कर लिखा, आपके पीडीएस का हाल प्रदेश ने देखा और उसके घोटाले का पता पूरे देश को है। रमन सिंह जी, लाखों फर्जी राशन कार्ड से लेकर 36,000 करोड़ का नान घोटाला सब आपके पीडीएस की ही देन है। आपकी सरकार के पतन की एक वजह ये घोटाले भी थे। इनकी बात करें तो आप बदलापुर चिल्लाने लगते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित नान यानी नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की तीसरी पारी में फरवरी 2015 में सामने आया था। इसको लेकर तब विपक्ष में रहने वाले भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा था। सरकार में आने के बाद भूपेश सरकार ने इस फैसले में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। फिलहाल इस घोटाले की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।